हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी आई के अभिषेक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आई के अभिषेक में। और आपके लिए आज लेटेस्ट वीडियो लेके आया हूँ टाटा स्टील से रिलेटेड जो डोमेन है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो आ रहे हैं चार डोमेन टाटा स्टील के पेपर में, आज इसी के बारे में वीडियो लेके आया हूँ। कि ये क्योंकि डोमेन्स जो है 50% का वेटेज रखते हैं, तो हम इन डोमेन्स को कैसे पढ़े, क्योंकि मैंने पीछे करंट इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग के ऊपर जो है वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। और अब जो मेरा मेन है यहां पर, अब डोमेन जो है 50% का वेटेज रखता है, इसे कैसे पढ़ना है, इसके लिए क्या बुक्स होंगी और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसे डिस्कस करने के लिए आया हूं। और दोस्तों आपको बता देता हूं कि मैंने अब डेली बेसिस पे जो है ऑब्जेक्टिव सेशन भी डाल रहा हूं अपनी बुक्स, मतलब अपने चैनल के अंदर। अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव सेशन मेरे चैनल के नहीं देखे तो तुरंत जाके वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद वो सारे जाके ऑब्जेक्टिव सेशन को देखिए और उन्हें सीखिए क्या मेरे क्वेश्चन जो है वो डाले। और बाकी अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक आपको जैसे दिख ही रहा होगा कि 50% वेटेज है टाटा स्टील डोमेन में, तो इसी आज डोमेन को हम एक एक करके सारे डोमेन्स को डिस्कस करेंगे और बुक्स वगैरह देखेंगे क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करे हुए। तो देखिए टाटा स्टील में जो आप दिख रहे होंगे सामने डोमेन जो मेन मेन है, मैंने लिख रखे हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइनिंग और माइनिंग सर्विंग। तो मैंने यहाँ पे जो है चार डोमेन को मतलब किया है, क्योंकि बाकी के डोमेन के बारे में मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता, जैसे कि मैंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू के चार डोमेन को किया। बाकी माइनिंग सर्विंग के बारे में मुझे ज्यादा डिटेल नहीं मिल पाई, इसलिए मैंने उन चीज को नहीं करा। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर एक बार आपको और बता देता हूँ। टीयर वन में ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, आपको पता ही होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में एक बार ध्यान रखिए, जिसे भी कलर ब्लाइंडनेस है या कोई भी दिक्कत है तो वो एक बार जरूर मतलब कंफर्म कर ले, क्योंकि मैंने सुना है कि उसमें जो है कलर ब्लाइंडनेस वाले को एंट्री नहीं दी जाती है। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करना, मैं पूरी वीडियो बना दूंगा पूरी डिटेल वहां से, फ्रेंड्स वगैरह जो मेरे वहां पर है उनसे लेकर। और बाकी हम वीडियो को बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा डोमेन है वो मैकेनिकल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि मैकेनिकल का मैंने डोमेन बना रखा है। तो मैकेनिकल के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, हीट रन, मास ट्रांसफर, हाइड्रोलिक मशीन्स, कंप्रेसर, गैस टर्बाइन, जेट इंजन, रेफ्रिजरेशन, स्टीम बॉयलर वगैरह, पावर प्लांट और लास्ट में जितने सब्जेक्ट है। तो इसमें आप बीच के सब्जेक्ट देखेंगे जैसे हीट मास, और ये सारे जो कुछ सब्जेक्ट है वो थर्मो के रिलेटेड है, यानी थर्मो के, थर्मो में भी जैसे कि आपके अप्लाइड थर्मो के। तो जो भी मतलब मैकेनिकल वाले होंगे उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, सारे सब्जेक्ट उन्हें समझ में आ रहा होंगे। तो अब ये में से की बनता है कि उन्हें पढ़े कैसे। तो देखिए पढ़ने के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अगर किसी ने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है तो उसके लिए मैंने आप बुक्स बताई है। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, आरएस कुर्मी बुक लीजिए, ठीक है, और अपने जो आपके डिप्लोमा के नोट्स हैं उन नोट्स को भी अपना रिवीजन करिए। और आरएस कुर्मी है जो आराम से आप इस बुक को, अगर आरएस कुर्मी को ढंग से लगाने वाला बंदा है तो बहुत आराम से बहुत जल्दी एक महीने के अंदर इस बुक को पूरा लगा सकता है। आरएस कुर्मी लगाने के साथ साथ आप क्या करिए, एसएससी जेई के देखिए 2007 से लेकर और 18 तक के पेपर है, इन पेपर को भी पर डे एक पेपर जो है आप लोग लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें कुछ क्वेश्चन को जैसे हर सब्जेक्ट से आप डेली लगाइए, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ये जो बंदे है आरएस कुर्मी को ढंग से बिल्कुल चाट लीजिए, मतलब एकदम समझ लीजिए कि ऐसे जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आपको बिल्कुल तुरंत रटा हुआ होना चाहिए। अगर आप ये दो बुक भी ढंग से लगा लेते हैं तो आप 100% में बताता हूँ कम से कम 80% तक या 85% तक मैकेनिकल में स्कोर कर जाएंगे इन दो बुक से ही, पूरा पेपर रिपीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत टफ पेपर नहीं आएगा ये तो आपको पता है। ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, बहुत पूछेगा बेसिक, बहुत टफ पूछेगा तो वो बहुत टफ क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि किसी से भी हिले, हो सकता है दो चार बच्चे हिला ले, लेकिन बहुत टफ पूछेगा तो हर कोई हिला नहीं पाएगा क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, इसलिए बहुत डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो दोनों बुकें बिल्कुल आपके जवान पे रेडी होनी चाहिए, और सारे सब्जेक्ट बता दिए, सारे सब्जेक्ट ही इन दोनों बुकों में आपको कवर हो जाएंगे, कहीं से कुछ अलग लेने की जरूरत नहीं है। समय कम है तो इतना तो लगा लीजिए अगर आपने बेसिक है, और बाकी देखिए जो एडवांस जो बहुत बढ़िया पेपर की तैयारी कर चुके हैं उनके लिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपके लिए दो बुक पढ़िए, वो और भी बुक अगर उनको पास कोई और बुक अच्छी है या कुछ और स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन जो बहुत कम बेसिक्स वाले पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कम बेसिक पढ़ने में पेपर निकल जाए, तो इन दो बुक को रेफर कर लीजिए, आपका पेपर इन दो बुक से भी निकल जाएगा। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे। देखिए यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी मैंने देखिए सब्जेक्ट्स बता दिए, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, और बाकी ये देखिए आप लोग को दिख ही रहूंगा स्क्रीन पर सारे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल वालों को लिख दिए,
बाकी इलेक्ट्रिकल वालों को सबको पता ही होगा उनके कौन कौन से मेन सब्जेक्ट है। अब उन्हें ये लगता है कि यार कौन सी बुक पढ़े, इलेक्ट्रिकल वाले भी कौन सी बुक उठाएं। तो मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए भी देखी, दो ही बुक मैं बस बताई है, ज्यादा बुक के चक्कर में मत पढ़िए। जो बुक पढ़िए बहुत बेसिक पढ़िए, 100% के साथ पढ़िए। एक भी क्वेश्चन उसमें से आए तो आपको पूरा रटा होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। बस ये दो बुक आप ढंग से पढ़ लीजिए, जेबी गुप्ता की बुक आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इसे बिल्कुल ढंग से पढ़ लीजिए। और इसी तरीके से एसएससी जेके 2007 से 17 तक के पेपर को बहुत अच्छे से लगा के चले जाइए, आपका 100% इसमें 80% स्कोर हो जाएगा। इससे बाहर पेपर नहीं आता है, मैंने पेपर खुद उठा के देखा है। और बाकी वही वाली बात है, मैंने पहले ही बताया बहुत टफ पेपर बनेगा तो अच्छे अच्छे नहीं ला पाएंगे, तो आप बहुत बढ़िया बुक भी पढ़ लेंगे तो भी आपसे नहीं लेगा। वो किसी से मिलता है टफ, हमेशा कुछ ना कुछ 5-10% पेपर में, हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जो बहुत टफ होते हैं। बाकी अच्छा पेपर आएगा, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। दो बुक ढंग से पढ़ लीजिए, इन दोनों को ढंग से लगा लीजिए, आपका 100% जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपके जो इस मतलब मेन पेपर में। अब आते हैं थर्ड वाले पे। अब देखिए मेटलर्जी का जो सिलेबस है, ये जो होता है मैकेनिकल इंजीनियर का सब पार्ट होता है, जो भी बंदे मेटलर्जी वाले देख रहे हैं उन्हें मैंने टॉपिक मेंशन कर दिया, जैसे एक्सट्रैक्टिव मटेरियल, आयरन एंड स्टील मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल साइंस, मेटलर्जी। तो ये सारे आप टॉपिक देख रहे होंगे मैकेनिकल से ही रिलेटेड है, तो आपको पता ही होगा जो मेटलर्जिकल वाले हैं तो उन्हें सब पता होगा कौन कौन सी बुक्स आती है उनके इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे बुक्स इनके लिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल की जो मैंने बुक बताई थी आप उसको भी उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सारी मोस्टली ये चीजें मिल जाएंगी। बस मैकेनिकल मेटलर्जी वाली जो कुछ टॉपिक है वो आपको दिक्कत होगी, वो आपको देखना होगा आपकी ब्रांच वालों को, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और बाकी मैं आपको बताता हूँ, जो भी अभी वीडियो देख रहा है मेरे साथ, सारे लोग बंदे देख रहे हैं, वो वीडियो को भी छोड़े ना, क्योंकि बाद में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको इस वीडियो से रिलेटेड जरूर बताऊंगा, उसे सुनने के लिए आप जरूर वेट करें। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे की ब्रांच चल रही तो वीडियो को स्विच करके जा रहे हो। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ी ब्रांच है, तो मैंने सारे यहाँ पे देखिए ये जो सही है जो टॉपिक वाइज है, ये मत समझिए कि सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट तो लिमिटेड सभी में 7-8 होते हैं, लेकिन मैंने ये टॉपिक वाइज सारी चीजें लिख दी हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं सारे टॉपिक्स एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे टॉपिक्स लिखाऊंगा। बाकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की दोनों बुक भी लिख दी है, देख लिए, पहली बुक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, एक आती है यूथ पब्लिकेशन की, ये दोनों बुक भी अच्छे से देखिए, उसमें बढ़िया क्वेश्चन है अगर उन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वाली जेबी गुप्ता की बुक भी आप अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, और इसी में आपका जो है आराम से 80% 70% स्कोर हो जाएगा कोई बिना किसी दिक्कत के। तो फ्रेंड्स मैंने सारे डोमेन्स है जितने भी ब्रांचेस है उनका सिलेबस वगैरह डिस्कस कर दिया है, और उन्हें बता दिया कौन सा कौन कौन सी मतलब बुक्स है और कौन कौन से बुक्स के साथ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और बाकी भी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ टॉपिक्स में पूछना होगा, जैसे मैकेनिकल में प्रोडक्शन हो गया या ये मतलब या इलेक्ट्रिकल में कोई भी ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन्होंने पूछना होगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स जो ऐसे होते हैं जो हमें जो टफ होते हैं और लड़के स्विच करना चाहते हैं क्योंकि उनका वेटेज भी कम रहता है। तो अगर ऐसी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और अब मुझे कमेंट में लिखने के बाद मैं इससे रिलेटेड भी एक डाउट सेशन लेके आऊंगा, और डाउट सेशन में आपके सारे डाउट जो है प्रीवियस ईयर के पेपर के थ्रू देख के मैं पूरा चेक करके कि कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज कितना है आपको एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं ये भी डाउट्स आपके क्लियर हो जाए और आपके पेपर में आपको कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। और बाकी मैं यही कहूंगा जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उन्हें आप अच्छे से देखें और नोट डाउन करते चले, और नोट डाउन नहीं करना चाहते तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ले लें, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी आपके साथ इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक अच्छी वीडियो के साथ और कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, फिर मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच।